नमस्कार मैं हूं अभिषेक कुमार आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है आज असम कैबिनेट ने हमारे लोगों के इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर गैर हिंदू कर्मचारियों को ट्रस्ट से हटाने की बात कही है अब बोर्ड आंध्र प्रदेश सरकार को पत्र लिखेगा और इस संबंध में उचित निर्णय लेने का अनुरोध करेगा जावेद आबिदी फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के बी विश्वनाथन की पीठ के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एन ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई सामग्री तैयार करने के सिलसिले में दिशा निर्देश जारी किए हैं जो स्कूली शिक्षा के लिए लागू होंगे उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के बीच कई जगहों से बवाल की खबर सामने आई जहां सपा ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर बैमानी का आरोप लगाया इस बीच अखिलेश यादव की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कानपुर के एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक लाख चौदह हजार ऐसी अधिक नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया इन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की है और इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता रही है और नियोजित शिक्षकों का सरकारी शिक्षक बनना इसी का परिणाम है दिल्ली में कल से आम लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला खोल दिया गया है जहाँ पहले ही दिन पच्चीस से ज्यादा लोग मेला देखने पहुंचे पंजाब की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ जहां शाम पाँच बजे तक अट्ठावन परसेंट वोट पड़े जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें पंजाब की गिद्दरवाहा डेरा बाबा नानक चब्बे बाल और बरनाला सीट शामिल है दोस्तों आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं पाकिस्तान में आज बड़ा हमला हुआ जहाँ उत्तरी खैबर के पख्तुन प्रांत में चौकी में विस्फोटकों से लदे वाहन को अंदर घुसा दिया गया इसके बाद एक के बाद एक धमाका हुआ इस हमले में सत्रह सैनिकों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर कश्मीर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे इसकी जानकारी रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने मंगलवार को दी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी से सीधे कश्मीर से जुड़ेगी यह ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज से होकर गुजरेगी पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को तीखे विरोध के बाद मणिपुर से संबंधित अपना एक पोस्ट डिलीट करना पड़ा चिदम्बरम ने पर पोस्ट में कहा था कि मेतई कुकी जो और नागा राज्य में तभी साथ रह सकते हैं जब उनके पास क्षेत्रीय स्वायत्ता हो इस पोस्ट के बाद मणिपुर कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने इसका विरोध किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम केयर केर स्ट्रामर के बीच जी ट्वेंटी सम्मेलन के दौरान अलग से हुई बैठक में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत पर सहमति बनी जहां ब्रिटेन के पीएम एम स्ट्रामर ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अगले वर्ष की शुरुआत में एफटीए पर भारत ब्रिटेन के बीच बातचीत शुरू होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अस्थायी कर्मियों के कल्याण के लिए कानून बनाने के तेलंगाना सरकार के कदम की सराहना की और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मसौदा कानून के लिए राज्यव्यापी सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने का आग्रह किया पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव को लेकर जारी रार बढ़ती जा रही है जहां पीडीपी की युवा इकाई के प्रधान और विधायक वहीद उर रहमान पारा ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के मूल राजनीतिक मुद्दे को लेकर भ्रम पैदा कर रही है अनुच्छेद तीन और पैंतीस की पुनर्बहाली जैसे मुद्दे से वह जनता का ध्यान बटा रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मदनीपुर जिले के मंदार मनी से समुद्र तट के किनारे अवैध रूप से निर्मित 100 से अधिक होटलों और रिसोर्ट को ध्वस्त करने के जिला प्रशासन के आदेश पर नाराजगी जाहिर की उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल में इन होटलों पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा महाराष्ट्र की दो विधानसभा सी सीटों पर वोटिंग हुई संपन्न शाम पाँच बजे तक अट्ठावन फीसदी हुआ मतदान कई बॉलीवुड अभिनेताओं ने भी डाला वोट गुजरात के सूरत में कल देर रात एक पेपर ट्यूब निर्माण इकाई में आग लग गई अग्निशमन विभाग के मुताबिक दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया ऐलान आंवला पोषक तत्वों का लाजवाब खजाना है इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और अन्य कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं सर्दियों में नियमित रूप से आंवले का जूस पीने से आपको सेहत से जुड़े कई तरह के फायदे मिल सकते हैं आई बैंक में जेम एवं ए पदों पर भर्ती निकली है उम्मीदवार तीस नवम्बर ऑफिशियल वेबसाइट आई पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं हरियाणा में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में अलग विधानसभा बनाने का मुद्दा उठा इस दौरान केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि पंजाब भी अपनी विधानसभा बनाए करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और अन्य बड़े नेता शामिल हुए उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर शाम पाँच बजे तक हुआ चौवन फीसदी मतदान छह प्रत्याशियों की साख लगी दौ पर झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान के दौरान एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई जहां शादी की रस्म को छोड़कर एक दुल्हा मतदान करने अपने बूथ पहुँच गया यह वाक्य महागामा विधानसभा क्षेत्र के महरमा प्रखंड में सामने आया है गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की नॉर्थ ब्लॉक में हुई बैठक नक्सल भावित क्षेत्रों में विकास पर हुई चर्चा मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के खटखरी चौकी पर महादेवन मंदिर के साथ लगी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया इलाके में धारा एक लागू कर दी गई है तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने रेवा से वज्र वाहन और बल बुलाकर तैनात कर दिया है हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच मंडी की गलियों में गूंजे बटेंगे तो कटेंगे के नारे बता दे कि अब तक विभिन्न हिंदू संगठन जेल रोड मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे जी हाँ दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है की प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल के ऑल ऑप्शन में वीडियो को, को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि देश और दुनिया की हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट